मेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमारी रेलवे की सीरीज चल रही है एएलपी बैच के लिए सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें टॉपिक हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक हम इससे पहले करके आए उनका वेटेज हमने देखा कि सबका अच्छा वेटेज रहा है, बट फॉर रेलवे सिटिंग अरेंजमेंट अगर हम बात करें तो अभी तक इसका थोड़ा कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते थे, बट अकॉर्डिंग टू आपको पता है कि कंपटीशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सा वेटेज लेके जाएगा। एक ही पज़ल, एक ही क्वेश्चंस के अंदर तीन आपकी आंसर्स निकल के आएंगे, एक ही आप सॉल्व करते हैं तो आपके तीन उससे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट भी हमें करना चाहिए। हाँ, बैंकिंग के लिए अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, बट अगर अपन बात करें एसएससी जेई की रेलवे के लिए तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट हमें टॉपिक कवर करना है कि अगर कंपटीशन के हिसाब से देखें तो सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा वेटेज लेके जाएगा। तो चलिए रीजनिंग की सीरीज का नया टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, कितने टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट हम देखेंगे या कितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें हमारे से सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सबसे पहला है हमारा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि कोई एक गोल वृत्ताकार सर्कल में बैठे हैं, एक मेज राउंड टेबल के आसपास बैठे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं? जैसे कि ये सारे मान लो कोई पर्सन्स बैठे हैं अलग अलग पोजीशंस के ऊपर एक सर्किल में, राउंड सर्किल के अंदर कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ देख रहे हैं, सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो वो सारे सर्कुलर अपने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में आ जाएगा। लीनियर होता है एक पंक्ति के अंदर बैठे हैं, जैसे कि मूवी हॉल होता है उसमें एक रो के अंदर सारे लोग बैठे होते हैं, या किसी पार्क के गार्डन के अंदर कोई लोग बैठे हैं पंक्ति के अंदर लोग बैठे हैं, जैसे कि ये एक लाइन है हमारी पंक्ति है, इसमें कुछ लोग उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं, तो हमें दिशा, इससे पहला टॉपिक जो हम करके गए हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, उसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि मेन जो डायरेक्शंस होती हैं हमारी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो लीनियर टाइप के अगर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसमें उत्तर की तरफ अगर मुँह करके बैठे हैं ये हमारी उत्तर दिशा होती है नॉर्थ डायरेक्शन, या दक्षिण की तरफ बैठे हैं ये भी हो सकता है, कुछ उत्तर की तरफ बैठे हैं कुछ दक्षिण की तरफ बैठे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पंक्ति वाले लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर पंक्ति की बैठक अवस्था, कैसे हमें कुछ नंबर ऑफ ग्रुप्स है, कुछ पीपल्स हैं, उन्हें कैसे बिठाना है, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है बैठक व्यवस्था। उसके बाद है स्क्वायर या रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि हमारी वर्गाकार या आयताकार कोई टेबल है उसके आसपास लोग बैठे हैं, या जैसे आपने सुना होगा कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड खेलते हुए चार लोग बैठते हैं तो वो कैसे बैठते हैं, कौन किस पोजीशन पे बैठेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम सर्कुलर से स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलर में बेसिकली अगर देखें तो स्टार्ट होता है हमारा चार लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन हमारे चार हैं, पाँच हैं, छः, सात, आठ, नौ, दस हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर सबसे इजी लेवल की बात करें तो वो पूछा जाता है फोर नंबर ऑफ पर्सन्स का, बट अगर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दें तो ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे छः और आठ के आते हैं, जिसमें छः पर्सन्स सिक्स नंबर ऑफ पीपल एक टेबल के आसपास बैठे होते हैं, या एट नंबर ऑफ पीपल्स एक टेबल के आसपास बैठे होते हैं। जैसे कि अपन लेके चलते हैं कि मुझे चार पर्सन्स को बिठाना है तो मैंने एक सर्किल बनाया, अब इस सर्किल में चार पर्सन तो ऐसे भी बैठ सकते हैं बैठ के चार पर्सन, बट हम बोल रहे हैं वृत्ताकार, तो कैसे हमें उनको ऐसे बिठाना है कि वो एक शेप बनाएं, सर्कल की वृत्त की शेप बनाएं, तो इनको कैसे बिठाएंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट हमें यही ध्यान रखना है कि इन्हें बिठाना कैसे है, चलिए, क्योंकि फोर पर्सन के लिए अगर बात करें तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ वन टू थ्री फोर, इस तरीके से चार पर्सन्स बैठेंगे। अगर हम बात करते हैं छः पर्सन्स की तो ये हो गए दो, वन टू थ्री फोर, और ये हो गए हमारे फाइव सिक्स। इसको आप कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आठ पर्सन्स की तो ये हो गए हमारे चार, ये छः और ये आठ, ये तो सिंपल है फोर सिक्स और एट इवन नंबर्स के लिए। अगर हम बात करते हैं हमें ऑड नंबर पांच नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए बनाना है तो आप इसको चाहे तो यहाँ बिठाइए, चाहे तो यहाँ बिठाएं, चाहे यहाँ बिठाएं, चाहे यहाँ बिठाएं,
तो मैंने इसको इस तरीके से बिठा दिया। ये किसके लिए हो गया? फाइव नंबर ऑफ पर्सन्स, फाइव नंबर ऑफ पीपल्स के लिए। अगर हम बात करते हैं सात की, तो ये आपका कौन सा था? सिक्स का था। इसमें आप सेवन पर्सन्स को कहीं भी बिठा सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप उसको कहाँ बिठाना चाहते हैं। आप चाहे तो यहाँ बिठा दीजिए, चाहे तो किसी भी और दिशा में बिठा दीजिए, आपके ऊपर है। ये हो गया अब सेवन का। इस तरीके से हमें पहले उनको अरेंज करने के कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, उन्हें हम कैसे बिठाएंगे सर्कल के अंदर। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है फेसिंग, कि उनका मुंह किस तरफ है, वो किधर देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं, अगर लीनियर की बात करें। और अगर सर्कुलर में बात करते हैं तो सर्किल में अंदर की तरफ, सर्किल का सेंटर ये है हमारा, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, या ये सेंटर, तो एरो हम सेंटर की तरफ कर देंगे, या आउटसाइड द सेंटर देख रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें सेंटर में दो चीज़ें ध्यान रखनी है, सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ, या आउट ऑफ द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ। तो ये मेन दो पॉइंट ध्यान रखेंगे कि कैसे हमें ड्रॉ करना है नंबर ऑफ पर्सन्स को इन फॉर्म ऑफ सर्किल, सर्किल की वृत्ताकार में कैसे बिठाना है, और उनकी फेसिंग वो अंदर की तरफ देख रहे हैं या बाहर की तरफ देख रहे हैं। चलिए फेसिंग का एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें, एक हम सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं चार पर्सन्स का, ठीक है, फोर पर्सन्स के लिए हम बनाते हैं। ये सारे फेसिंग सेंटर लिखा हुआ है, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो मैंने इनके सबके एरो क्या कर दिए, अंदर की तरफ कर दिए। ये सारे सर्किल के अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या रूल ध्यान में रखना है कि अगर मान लो यहाँ पे मेरा ए बैठा है, ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि बी ए के लेफ्ट में बैठा है, ठीक है, अगर बी हमारे ए के लेफ्ट में बैठा है तो इसे हम कैसे करेंगे? ए का लेफ्ट और राइट आप खुद को इमेजिन कीजिए। मैंने आपको डायरेक्शन में भी बताया था, इसमें भी मैं आपको यही कहूंगी कि आपने कोई रूल को, ये रूल मैं आपको बता रही हूँ, बट आपने खुद को इमेजिन करना है कि आप इधर मुँह करके खड़े हैं और आपका राइट ये है, आपका लेफ्ट ये है। आप खुद को इमेजिन करके करिए तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो जैसे इमेजिन कीजिए कि आप ए हैं, अंदर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, और आपका राइट ये साइड होएगा एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो आपको सेंटर, अगर फेसिंग सेंटर की तरफ है तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट क्या होगा? क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की दिशा में, यानी कि ये होगा, ए का लेफ्ट ये है, जबकि ए का लेफ्ट क्या, ये राइट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टी दिशा में है, घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर मैं कहूँ कि बी ए के लेफ्ट में बैठा है, बी ए के लेफ्ट में बैठा है, तो लेफ्ट हमने देख लिया, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलना है, तो बी यहाँ पे बैठेगा। ओके, अगर यही हम इसके अंदर बात करें, सर्किल ड्रॉ किया वही फोर पर्सन्स के लिए, ये फेसिंग आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं, सबका मुँह बाहर की तरफ कर दिया। इसमें हमें इसकी जस्ट अपोजिट ट्रिक ध्यान रखनी है। यही हमने यहाँ पे ए को बिठाया, ए के बाद मैंने आपको बोला कि इसमें विपरीत दिशा में चलेंगे, अगर ये बाहर की तरफ देख रहा है तो इसका उल्टा हो गया, ये इसका हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा इसका ए का लेफ्ट। अगर हम इसके लिए बात करें आउटसाइड सर्किल से, सर्किट से, सर्किल से बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम, लेफ्ट का मतलब है घड़ी के विपरीत चलेंगे, लेफ्ट यानी घड़ी के विपरीत चल रहे हो। और अगर हम राइट की बात करते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। ओके, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। बाकी आप खुद को इमेजिन करके करिए, कोई रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को इमेजिन कर लीजिए कि आप ए हैं, आप अंदर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, आप ए हैं, आप बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और एक ट्रिक इसमें आपको ध्यान रखनी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, आप किसी क्वेश्चन को शुरू करते हैं, चार पर्सन्स हैं, चार पर्सन्स को आपने बिठाया, उसके बाद में आपको फर्स्ट पर्सन यहीं से स्टार्ट करना है। आप बिठा तो ए को यहाँ भी सकते हैं, यहाँ भी सकते हैं, यहाँ भी सकते हैं, आंसर करेक्ट ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। बट क्योंकि हम यही पॉइंट क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि हम खुद को इजीली यहाँ पे लेफ्ट और राइट डिसाइड करना इजी हो जाता है, इसलिए हम ए को या कोई भी फर्स्ट पर्सन को हमेशा यहाँ से शुरू करेंगे। एक निश्चित कर लीजिए तो करेक्ट ही होगा, कहीं से भी करें, अगर आप सही ऑर्डर में चल रहे हैं करेक्ट ही होगा आंसर। बट ये क्यों लेके चलते हैं, ये हम खुद को अगर इमेजिन करते हैं तो हमारा राइट यानी कि दायां और बायां लेफ्ट बताना इजी हो जाता है, इसलिए हम फर्स्ट पर्सन को हमेशा यहीं से लेके चलेंगे हमारे क्वेश्चंस के अंदर। ओके, अब देखिए, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ए बी के बाएं दूसरा है, तो इस क्वेश्चंस में आपको कैसे एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि हमेशा सबसे पहले किसे बिठाएंगे। अब ए को भी बिठाना है, बी को भी बिठाना है,
तो सबसे पहले आप सेकंड पर्सन को बिठाएंगे, किसको बिठाएंगे, सेकंड पर्सन, जो दूसरा पर्सन है उसको बिठाएंगे। जैसे यही अगर इंग्लिश में लिखी है लाइन हमारी, ए सिट्स, यही सेम लाइन है इंग्लिश में है, ए सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, ए सेकंड लेफ्ट है बी के। तो वही मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, आपको सबसे पहले किसको बिठाना है, सेकंड पर्सन को बिठाना है। मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, सबसे पहले मैंने सेकंड पर्सन को बिठाया, सेकंड पर्सन कौन है, बी है। अब क्या कह रहे हैं, ए बी के दाएं दूसरा है, ए सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, बी क्या, अब आप खुद देखिए, अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी तो आप उसको मान के चलेंगे कि वो नॉर्थ की तरफ मूव करके बैठे हैं लीनियर में, और सर्कल में अगर आपको नहीं दिया हुआ तो आप मान के चलेंगे कि सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ ही देख रहे हैं। कभी भी टेबल में बैठते हैं तो मोस्टली हम टेबल के अंदर की तरफ मूव करके ही बैठते हैं, तो आप सेंटर फेसिंग जो लेके चलेंगे वही लेके चलेंगे कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। ओके, तो इसमें हम नॉर्थ मान के चलते हैं, कुछ दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन को बिठा दिया, बी, ए सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, किसके, बी के सेकंड लेफ्ट में बैठा, एक पर्सन छोड़ दिया, बी का लेफ्ट यही होगा और राइट ये होगा, तो ए को कहाँ बिठा दिया मैंने, यहाँ पे बिठा दिया। चलिए अब आप ये ट्राई कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए मेरी क्लास में, राम मोहन के दाएं दूसरा है, राम इज सेकंड राइट ऑफ मोहन, अब ये आप ट्राई कीजिए। सबसे पहले किसे बनाएंगे, सेकंड पर्सन को बनाएंगे, ये ध्यान रखना है, इस लाइन को पढ़ते टाइम इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चंस एक तरह की पहेली है, इस पहेली को जोड़ने के लिए आपको जो भी उसमें क्लू दिए हुए हैं, ट्रिक दी हुई है, कड़ी दी हुई है, उसको जोड़ते चलो, आपकी पहेली सॉल्व हो जाएगी और करेक्ट ही सॉल्व होगी। चलिए सबसे पहले अब मैं किसको बिठाऊंगी, राम इज सेकंड राइट ऑफ मोहन, अगर हम इंग्लिश में रीड करते हैं तो भी यही मेरा सेकंड पर्सन है और यहाँ पे भी सेकंड पर्सन यही है, ठीक है, तो सेकंड पर्सन मोहन है, मैंने यहाँ पे मोहन को बिठा दिया। चलिए मोहन बैठ गया, राम मोहन के दाएं दूसरा है, दाएं यानी राइट है, किसके, मोहन के, तो राइट है यहाँ, दाएं दूसरा है, एक जोड़ी स्पेस, ये सेकंड पे बैठा है, तो यहाँ कौन बैठ गया, राम बैठ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या मैं आपको दे दूं, ये एक और ट्राई कीजिए, ए के बाएं दूसरा बी है, अगर ऐसा आ जाए, ये थोड़ी सी चेंज होगी लाइन, ए के बाएं दूसरा बी है, तो कैसे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है, बी के, ए के बाएं दूसरा कौन है, कौन है को बाद में बिठाएंगे, सेकंड टाइप उस पर बिठाएंगे, इस तरह की लाइन में हमें क्या ट्रिक अपनानी है, ए के बाएं दूसरा बी है, तो जो कौन है वहाँ पे कौन रखे, देखिए अगर क्वेश्चन का आंसर जो है उसे हमें किस में बिठाना है, सेकंड नंबर पे बिठाना है, तो सबसे पहले किसको बिठाओगे, इसके अंदर ए को बिठाओगे, ए को बिठा दिया, ए के बाएं दूसरा बी है, बाएं यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट में ए का लेफ्ट ये है, ए के बाएं दूसरा, एक छोड़ दिया दूसरा, ए के बाएं दूसरा कौन है, बी है। इसमें हमेशा कौन का उत्तर जो दे रहा है, कौन का आंसर जो दे रहा है, उसे हमेशा सेकंड नंबर पे बिठाएंगे, बाद में बिठाएंगे, कौन का आंसर जो दे रहा है उसे बाद में बिठाएंगे।